डेट ठीक से याद नहीं, मैं भी कंपटीशन से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जब मैं रात को जिम से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो बीच के अंदर मतलब घर के और जिम के रास्ते के बीच में एक हादसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉग। तो बहुत वक्त के बाद YouTube की गली में वापस आए, तो आज हम बताएंगे कि हम इतने टाइम से थे कहाँ भाई, क्यों नहीं आ रहे थे YouTube पे, वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, ब्लॉग्स क्यों नहीं बन रहे थे। तो मेन रीज़न ये था कि पहले वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, और कॉम्पिटिशन की तैयारी के बीच में ही जब कॉम्पिटिशन में भी 10 दिन बाकी रह गए थे या शायद 15 दिन बाकी रह गए थे, तो भैया रास्ते में कहानी हो गई आपके भाई के साथ और एक्सीडेंट हुआ मेरा, मेरी कलाई टूट गई, तो जिसकी वजह से मैं जिम से भी बिल्कुल दूर हो गया और ब्लॉगिंग से भी दूर हो गया। तो कुछ इस तरह के हादसे हमारे साथ हुए थे, और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि मुझसे हर बंदा आके पूछा था कि भाई क्या हुआ, बता दो यार बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कलाई टूट गई, तो उनका एक ही जवाब होता था, कीड़ा तुझमें ही होगा। एक बात मुझे बताओ, कौन सा बंदा जानबूझ के अपनी हड्डी तोड़वाएगा, और वो भी उस टाइम जब उसके पीक वीक चल रहे हैं कि अभी कॉम्पिटिशन आने वाला है, कुछ ही दिन दूर है कॉम्पिटिशन, मक्खियों ने बहुत तंग किया, कुछ ही दिन दूर है उसका कंपटीशन, क्यों करेगा ऐसी उंगली, वो पड़ी लकड़ी क्यों लेगा कि भैया कंपटीशन नज़दीक है, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बेड रेस्ट पहना पड़े। और जब भी किसी शख्स का उल्टा हाथ टूटता है और उस पर प्लस्टर आता है, तो भैया धोने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मुँह धोना हो, हाथ धोने हो, इफ़ यू डोंट नो आई थिंक नाउ यू नो। या धोने धाने की प्रॉब्लम से तो हम निपट चुके थे, हम आगे निकल गए थे, हमने मूव ऑन कर लिया था, बोला नहीं इसको लेके हम नहीं रहेंगे, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। तो कंपटीशन से 4 दिन पहले मैंने अपने ट्रेनर को कॉल की कि यार मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेन फिजिक खेलूँ, बॉडी बिल्डिंग तो मेरे पास की है नहीं, क्योंकि कलाई टूट गई है, पॉजिंग होगी नहीं, और जिसम भी बिल्कुल वीक हो चुका है, क्योंकि हार्डनेस ख़त्म हो जाती है ना मसल की, राउंडनेस फुलनेस सब बैठ जाता है, मसल बैठ जाता है। तो ट्रेनर ने कहा हाँ मसला नहीं, अब पेट का वर्कआउट लगा तो या फिर हमने जो 4 दिन दबा के पेट का इसका वर्कआउट लगाया ना ऐसा कि फिर हमने कंपटीशन खेला, सब दोस्त हैरान, भाई आराम कर ले, ना 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 बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, और वाकई मैंने बहुत मेहनत की थी यहाँ तक आने के लिए। तो मैंने सोचा कि भैया कॉम्पिटिशन तो हम खेलेंगे, और हमने मेन फिजिक खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपके भाई की 3rd प्लेस आ गई। और जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, मतलब हाथ टूटने से पहले, तो मेरा फुल फोकस था कि भैया टाइटल ही लेके आना है मैं किसी को, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इस चीज़ के, एक दो दिन की बात नहीं थी कि भैया 2 दिन पहले जिम गए, एक्सरसाइज लगाई, 6 महीने जाके तैयारी की है, 1 साल तैयारी की नहीं, हम इस गेम में 4-5 साल से, और नेचुरल अगर आप 4-5 साल से ना तो आपको इसी तरह टाइम लगता है और आप सीखते रहते हैं। और आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैंने कंपटीशन खेला था और मैं 3 कैटेगरीज में टाइटल लेके आया था, मतलब मेन फिजिक में टाइटल लिया था और ओपन बॉडी बिल्डिंग में 2nd आया था, वेस्ट की बॉडी बिल्डिंग में 3rd पोजीशन आई थी, जब मैं वो टाइटल लेके घर आया था मेरे घर वाले सो रहे थे पूरे मज़े में, भाई कोई पता ही नहीं कि लौंडा कॉम्पिटिशन खेलने गया, ना 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 घर वाले मज़े में सोए हैं, और मैं आया रात के टाइम तकरीबन 12-1 बजे का टाइम हो रहा था, और मैंने घर देखा यार ये क्या, मतलब लड़का कॉम्पिटिशन खेलने गया हुआ है, बॉडी बिल्डिंग खेलने गया हुआ है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब सोए हैं। और इस बार ऐसा था कि हम हाथ टूटे हुए, हम कंपटीशन खेलने गए हुए, और रात को 12:30 बजे हम अपने घर आए, और गेट खुलते मेरी अम्मी जान जाग रही थी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई 3rd प्लेस आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाली हाथ नहीं है। तो ये कॉम्पिटिशन के लिए हमने ये तो बता दिया कि अगर आपके अंदर तप्पड़ है, आपके अंदर हिम्मत है, पैशन है, सब्र है, हर चीज़ अगर आपके अंदर है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट अगर मैं वहाँ जाके कुछ परफॉर्म करने के बाद अगर जीतता नहीं भी ना, तब भी मैं खुश था कि भैया मैंने इतनी हिम्मत तो की कि मैं कंपटीशन खेलने चला गया, और तकरीबन मैंने कोई 18 या 20 दिन एक्सरसाइज भी नहीं लगाई थी, विदाउट एक्सरसाइज सिर्फ पेट का वर्कआउट लगाया था, क्योंकि पेट ही क्लियर करना था मेन फिजिक में, अपर बॉडी फिर भी बेहतर थी मेरी और अच्छी फिजिक थी, मुझे बुरी नहीं लगी अपनी फिजिक, अच्छा लगा मुझे जाके। तो भैया एक चीज़ जो मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ, जो दिल से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भैया एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि जब तक आप सलामत हो ना, मतलब आपके हाथ पांव, जिस्म, आंखें, टांगे सलामत हैं, लोग तब तक ही साथ रहते हैं, जब आप पे थोड़ी सी मुसीबत आती है ना तो वो लोग बहुत जल्दी आपसे जान छुड़ा लेते हैं,
और जितना उन्हें यूटिलाइज करना होता है ना आपको, वो उतना यूटिलाइज कर चुके होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि भैया अब तो हमारे किसी काम के नहीं हो ना, अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं, मतलब जब तक हम ठीक थे तो हम दुनिया के काम कहते, और जैसे हम पे थोड़ा सा बुरा वक्त आया, थोड़ा सा अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा हमारा, तो फौरन से लोगों ने हाथ उठा लिए और हमें दिखा दिया कि भैया देखो अपना काम अपना होता है, नौकरी नौकरी होती है। तो अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि छोटा सा भी अपना कुछ करें इंशाल्लाह।